बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ मरातब अली। आज मैं हाजिर हूं एक नई रेसिपी के साथ और आज हम सैलड बनाएंगे। अगर आप सदा जवान रहना चाहते हैं तो ये सैलड रोज़ इस्तेमाल करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चले आएँ, शुरू करते हैं। कैसे बनता है ये सैलड? इसमें मेरे पास एक चुकंदर है, बंद गोभी है, एक अमरूद है, गाजरे हैं मेरे पास, मूली है, लीमू है, टमाटर है, एक सेब है, इसके अलावा सलाद के पत्ते हैं मेरे पास, इसके साथ खीरे हैं, और इसमें पुदीना जाएगा थोड़ा सा, हरा धनिया थोड़ा सा जाएगा, और ये हरा प्याज है ये थोड़ा सा जाएगा। बाकी इसकी कटिंग करते हैं। एक आखिर पे इंग्रेडिएंट जो है वो ऑलिव ऑयल डालेंगे और ब्लैक पेपर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफ़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी कटिंग जो है हमने क्यूब कटिंग करनी है इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके हम छिलके जो है वो उतार लेंगे। इसकी कटिंग भी हम जो है बिल्कुल बारीक कटिंग करेंगे इसकी, इस तरह से। जैसे ये इस तरह कटिंग करनी है। देखें ऐसी कटिंग हो। के साथ हमारे पास अमरूद है। इसके जो बीज है हमने वो रिमूव कर देने, बीज हम नहीं डालेंगे इसके अंदर। ये देखें, इसकी भी हम जैसे मूली की कटिंग की है हमने, ऐसे ही बारीक बारीक कटिंग करनी है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपने क्या चीज़ किस मिकदार में लेनी है, कितनी चीज़ लेनी है, कोई लिमिट नहीं है। आप जो चीज़ जितनी मिकदार में ज़्यादा शौक से खाते हैं वो डालें, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके साथ ही हम सेब लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी हमने ऐसे इसके बीज निकाल देने। इस तरह हमने इसे कटिंग करनी है। टमाटर जो है इसमें इसकी कटिंग जो है हम ये कटिंग करेंगे इसकी। ये देखें ऐसी कटिंग हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीरे की हम कटिंग ये करेंगे जैसे हमने दूसरी की है कटिंग। ये देखें ये कटिंग हमने करनी है। इसकी कटिंग हम बारीक बारीक करेंगे इस तरह से। ये कटिंग होनी चाहिए इसकी। चुकंदर हमारे पास ये फ्रेश चुकंदर है, देखें इसके पत्ते जो है बिल्कुल साथ लगे हुए हैं। इसके हम छिलके जो है अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे। ये देखें ब्लड जैसे लग रहा, ब्लड है। इसकी कटिंग भी जैसे हमने खीरे की है उसी तरह ही करेंगे, बारीक बारीक। ये देखें ये सलाद के पत्ते हैं, इनको भी आपने
ठीक है, ऐसे ही डाल देंगे इसमें। तकरीबन थोड़ा सा पुदीना ले लेंगे, इसको बारीक करेंगे चॉप, इसको बिल्कुल बारीक बारीक करना है। इसका थोड़ा सा टेस्ट होता है बीच में, और एक तो एक हाजमेदार बन जाती है चीज़। सिर्फ इतना सा हम पुदीना डालेंगे इसमें, और हरा धनिया भी इतना ही हो तकरीबन, सिर्फ टेस्ट के लिए बस, बिल्कुल बारीक बारीक हो। हम लीमू निचोड़ देंगे। एक चीज़ इसमें भूल गया था मैं, हरा प्याज जो है ना बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे करेंगे हम। ये हरा प्याज थोड़ा सा डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखें, हल्का सा सॉल्ट जाएगा इसमें, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, दो से तीन चुटकी जो है हल्की सी डालेंगे हम। यहाँ पे मेरे पास ब्लैक पेपर है, हल्की सी डालेंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून जो है। ये मेरे पास जैतून का तेल है, ऑलिव ऑयल है, तकरीबन एक से दो खाने के चम्मच जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये जैतून का तेल नहीं है, आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह हमारी सैलेड जो तैयार है। और मैं आपको बताऊं कि आप ये रोज़ इस्तेमाल करें, थोड़ी सी इस्तेमाल करें, आप चीज़ें ले आएँ इकट्ठी घर पे रख लें, और रोज़ एक गाजर ले ली, छोटा सा खीरा ले लिया, और छोटे से सलाद के पत्ते ले लिए, बंद गोभी के पत्ते ले लिए, टमाटर एक इस्तेमाल कर लिया, लीमू इस्तेमाल किया, और ऐसे ही आप ये घर पर बनाएँ, और इंशाल्लाह मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी ये ज़िंदगी बदल देगी सैलेड, ये आपकी जितनी बीमारियाँ हैं सब ख़त्म कर देगी ये, अगर आप इसको रोज़ मेंटेन करेंगे, तरीके से खाएंगे, आप इसको रोज़ इस्तेमाल करेंगे, और बहुत ही फ़ायदा देगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मुलाकात होगी, अल्लाह निगहबान।